बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने अपने घरों में शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज बड़ी ही आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं नान खटाई बिस्किट आज आपको बनाने सिखा रही हूँ और पतीले में बनाना सिखाऊंगी। जिनके घर ओवन नहीं है वो टेंशन ना लें, वो भी आसानी से ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा तरीका है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखें व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त और ख़स्ता बिस्किट तैयार हुए हैं। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें किस कदर खस्ता बिस्किट हैं ये। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और इस रेसिपी को तैयार करते हैं। जी व्यूवर्स, नान खटाई बिस्किट बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप के जितना मैंने मैदा लिया है, 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 1 कप मैंने लिया है घी जिसको मैंने पिघला लिया था, और 2 चम्मच मैंने सूजी के लिए हैं, 1/2 चम्मच जो है मैंने इलायची पाउडर लिया है, कुछ बादाम हैं, कुछ कटे हुए हैं और कुछ साबुत हैं, और बेकिंग पाउडर है हमारे पास 2 चम्मच, ये 1 अदर हमने अंडा लिया है। तो अब नान खटाई बिस्किट तैयार करते हैं। बगैर ओवन के बनाऊंगी मैं आज, इसको पतीले में बेक करूंगी ताकि हर कोई आसानी से, जिनके घर ओवन नहीं है वो भी ईजी इसको बना सकते हैं घर पर। सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ली, पिसी हुई चीनी है, ग्राइंड कर ली थी मैंने। मैंने सब की बराबर बराबर में मेजरमेंट की है, 1 कप के जितना पूरा पूरा 1 कप मैंने घी लिया है। कुकिंग ऑयल में अच्छे नहीं बनते यार, आपको घी ही लेना पड़ेगा। देसी घी लेना चाहे तो देसी घी ले लें, और अगर आपने वैसे दूसरा वाला वनस्पति घी इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने वनस्पति घी लिया, इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। बिस्मिल्लाह मान रही हूँ, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। व्यूवर्स, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें ज़रा। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी, ये हमारा मैदा है, इसमें मैं शामिल करूँगी। इसको आपने छान के इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके। अब इसमें 1/2 कप जो हमारे पास बेसन है मैं वो शामिल करूँगी। 1/2 कप हमारा बेसन है, ये शामिल कर दिया मैंने। बेसन चला गया हमारा। अब इसमें 2 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर की डालूँगी। अब हमारी जो 2 चम्मच सूजी थी वो भी मैं शामिल करूंगी इसमें, इसको भी शामिल कर दें आप। अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूंगी। कोशिश करें कि हाथ से इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करें ताकि आपके बिस्किट बहुत अच्छे बने। जी, हमारा जो डो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमारा इलायची पाउडर था 1/2 चम्मच मैं वो शामिल कर दूंगी, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। जी, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखते हैं। जी, हमारी डो बिल्कुल ठीक है, 15 मिनट हो गए हमारी डो को। अब मैं इसकी बिस्किट बनाती हूँ। देखिए, इतना बिस्किट बनाना है और इसके ऊपर मैं ये ऐसे एक बादाम ऐसे लगा दूँगी। एक साइज़ के ही होने चाहिए सारे हमारे बिस्किट, क्योंकि बिस्किट ने जब हम इसको बेक करेंगे तो हमारे बिस्किट ने फूलना भी है।
जी देखें, ऐसे ही हम अपने सारे बिस्किट तैयार करेंगे। जी व्यूवर्स, हमारे बिस्किट तैयार हैं। अब इसको मैं बेकिंग ट्रे में रखूँगी। बेकिंग ट्रे में मैं पहले ऑयल से ग्रीस करूँगी, सिलिकॉन ब्रश के साथ इसमें कुकिंग ऑयल लगाऊँगी, थोड़ा सा इसमें मैदा स्प्रिंकल करूँगी। अब ये जो हमारे बिस्किट हैं, मैं इसको इसमें रख दूँगी। ये जो हमारी बेकिंग ट्रे है, इसमें अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में भी ये रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बेकिंग ट्रे हो तो फिर ही बिस्किट बनेंगे। आप किसी भी बिल्कुल साफ़ स्टील की प्लेट हो उसमें आप ये रख सकते हैं। अब मेरे पास ये अंडे की जर्दी है, इसको मैं हमारे ये सिलिकॉन ब्रश के साथ हल्का हल्का इसके ऊपर इसके लगा दूंगी, क्योंकि इससे बिस्किट का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अगर आप नहीं लगाना चाहती तो वो आपकी मर्ज़ी है। इससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है बिस्किट का ना। जब ये बेक होगा ना तो माशाल्लाह इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, गोल्डन हो जाएगा ये, और बहुत ज़बरदस्त लगता है। जी व्यूवर्स, हमारे बिस्किट रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको पतीले में रखती हूँ। जी व्यूवर्स, देखिए मैंने पतीला प्रीहीट पहले किया हुआ है, इसमें मैंने एक स्टैंड रखा। अब एहतियात के साथ इसमें मैं अपनी ये बिस्किट रख दूँगी। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं ढक के रख रही हूँ। आँच आपने दरमियानी ही रखनी है। जी व्यूवर्स, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक करती हूँ हमारे बिस्किट कैसे बने। जी व्यूवर्स, ये देखिए हमारे माशाल्लाह बिस्किट तैयार हो गए हैं। मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें हमारे बिस्किट तैयार हैं। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। जी व्यूवर्स, हमारे नान खटाई बिस्किट तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बिस्किट बने हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाए हैं पतीले में। अगर आपके घर ओवन नहीं है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप पतीले में भी बहुत अच्छे बिस्किट तैयार कर सकती हैं। तो शाम की चाय को इंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।